अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का प्रसाद भी जोरों शोरों से बनाया जा रहा है। ये प्रसाद देश के सभी तीर्थ स्थलों व राम भक्तों तक भेजा जाएगा, जिसके लिए विशेष कारीगरों के माध्यम से 1,11,000 देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। 5 अगस्त को विधि विधान पूर्वक वैदिक विद्वानों के माध्यम से पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान विद्यांचल के विशेष कारीगरों द्वारा लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं से राम लला का भोग लगाया जाएगा, साथ ही इसका प्रसाद राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद आयोजन में शामिल लोगों के साथ पूरी अयोध्या व देश के सभी तीर्थ स्थलों पर पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। रामलला के प्रसाद के रूप में 1 दर्जन से ज्यादा कारीगरों के माध्यम से 1,11,000 देशी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिसे अयोध्या ही नहीं देश के सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रसाद के साथ एक पुस्तक और प्रसाद को रखकर एक स्टील का डब्बा भी दिया जाएगा। पंडित देवेंद्र बताते हैं कि किस तरह से ये प्रसाद किन किन जगहों पर पहुंचाया जाएगा। सुनिए पंडित देवेंद्र का क्या कहना है। 1992 में श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज की वाणी आई थी कि खोद खोद कर देखियो, मैंने खोद के वहाँ देखो, भगवान श्री राम की मंदिर पहले था, इसलिए वही बनेगा, समय आ गया है। सभी जितने धर्म स्थल है, जहाँ जहाँ मठ मंदिर है, सब जगह जाएगा। बनारस जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, देवप्रयाग जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, हरिद्वार जाएगा, वृंदावन जाएगा, इलाहाबाद जाएगा, झांसी जाएगा, काशी जाएगा, सब जगह जाएगा। पूरे देश के धार्मिक स्थलों पर वितरण करना है ये, क्योंकि इससे बड़ा खुशी तो कोई होगा नहीं सनातन धर्मियों के लिए। पूरा देवराहा बाबा संस्थान के जी देवराहा हंस बाबा जी के संस्थान से